ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਗਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਉੱਪਰ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੀਲੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। इस संबंधी जानकारी देते हुए जिला पुलिस मुखी सरदार हरमनबीर सिंह गिल ने दसा कि जिला प्रबंधकी कंपलैक्स विखे खालिस्तान का झंडा चढ़ाने वाले शक्की व्यक्तियों की वीडियो जारी की गई है। सूचना देने वाले नूं पुलिस दे वल्लों 50,000 रुपए का इनाम भी दिता जाएगा। सूचना देने वास्ते उन्होंने नंबर भी जारी किए ने 98-158-00-323 85-599-0-5160। इन्हां नंबरां उत्ते संपर्क किया जा सकता है। उधर इस घटना तो बाद कांग्रेसी आगू रवनीत बिट्टू ने भी गुस्से विच श्री अकाल तख्त साहिब दे जथेदार नूं तिखे सवाल किए हैं। मैं बहुत चिरां दी ये गल लगातार ये कर रहा सी। अज बहुत ही मंदभागी गल आ जिहड़ी मोगे दे विच जिहड़ा सैक्रेटरीएट आ उत्थों जिहड़ा तिरंगा झंडा है साडे देश की अमन शान शांति का जिहड़ा प्रतीक आ उह झंडे नूं लाया गया ते खालिस्तान का झंडा है जिहड़ा उत्थे उन्होंने किते बिल्डिंग ते जिहड़ा उह ला के गए। मैं लगातार ये गल कह रहा सी बहुत क्योंकि जदों दे जथेदार साहब बोले आ ये पन्नू दे हक च पन्नू कोई चीज़ नहीं पर अकाल तख्त साहब का जथेदार की बड़ी एक अहमियत आ। अज मैं सुन रहा सी मजीठिया साहब जिहड़े कि अपने भाषण च ये गल कह रहे सी भी सीएम साहब जां सरकार बड़ा कुछ रेफरेंडम 2020 दे जां पन्नू दे उल्ट बोलदी आ ते अज की होया पर पहला जवाब मैं उदण दा मंगदा मजीठिया साहब तुसी ते थोड़ी पार्टी ये जवाब देवे जिहड़ा जथेदार तुसी थापिया टैंपरेरी ये जो कुछ होदिया उहदी शह ते हो रहा। मैं बार बार ये गल कही आ भी जथेदार साहब अपने लफ्ज़ वापस लैण उहदा बहुत भारी सिखां ते पंजाब दे लोकां ते असर आ जदों उन्होंने ये गल की आ ते कराउण वाले तुसीं हो पिछे क्योंकि बनाउण वाले जेब चो परची थोड़े बादल साहब मजीठिया साहब निकलदी आ। अज तुसीं SSP साहब ते जां सरकार ते उंगलियां चक्कियां क्यों नहीं थोड़े मूँह च घुंगणू पए ने क्यों नहीं तुसीं बोलदे भी थोड़े पार्टी दे जिहड़ा जथेदार बनाया होया उन्हें जदों रेफरेंडम 2020 की खालिस्तान की गल की तां इह झंडे आ जिहड़े लहराए जा रहे आ। ते मैं अज सरकार नूं ते एडमिनिस्ट्रेशन नूं सख्त ये मैं लफ्ज़ां च जरूर कहना चाहुंदा अगे जदों पिछले दिनां च एक वीडियो आई एक मंडियाणी पिंड दे विच उन्होंने एक नींह पत्थर भन्निया उदों सारी पंचायत अज दुबारा क्योंकि कल रात इंसीडेंस होया उन्होंने नींह पत्थर दुबारा भन्निया उह बंदिया ने मूँह बन के आके अज सारी पंचायत कह रही है भी असी फिर अपने अस्तीफा दे दिंदे आ जे तुसी इह खालिस्तानी आ ते परचे दर्ज नहीं करने। दूजी गल इह जिहड़े लोग ने जिन्हां ने भी ये तिरंगे नाल इह छेड़छानी कीती आ जिहड़ा तिरंगा साडा इस नूं भगत सिंह राजगुरु सुखदेव एडे वड्डे साडे आजादी गुलाटियां ने इह तिरंगे लई अपनियां जानां दित्तियां अपने कुरबानियां दित्तियां इह उह जिहड़ी जंग आ जिहड़ी इह साडे भगत सिंह होणां ने लड़ी हुई आ। तुसीं इह तिरंगे नूं तुसीं सातों खो सकदे हो इहनां दे मत्थियां दे उत्ते इह फैसला करना पऊगा इहनां दे मत्थियां दे उत्ते गदार शब्द आ जिहड़ा उह मैं समझदा पक्के तौर ते लिख देना चाहीदा जिन्हां दी हिम्मत ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਪੈ ਗਈ ਵੀ ਉਹ ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਲੋਕ ਆਪ ਫੜ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਗਦਾਰ ਲਿਖਣਗੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਆ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਸਾਡਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਗਦਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਜੋ ਕੁਛ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇਬ ਦੀ ਪਰਚੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।